गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे आपके पीएफ अकाउंट में आपका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपके आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है, लेकिन जो है ना आपका पीएफ अकाउंट में कुछ अलग नाम है, जैसे कि सरनेम मिसमैच हो रहा हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हो और आपका आधार कार्ड के अंदर जो नाम है वही जो है ना आपको अपडेट कर सकते हो, सेम जो है ना आप अपडेट कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा आपको एक ब्राउजर ओपन करना है, कोई भी एक ब्राउजर के अंदर आपको टाइप करना रहेगा UAN पोर्टल। जैसे आप टाइप करके एंटर करोगे तो फर्स्ट वन आपको ऑप्शन रहेगा होम, मेंबर होम, तो मेंबर होम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आपका UAN नंबर और आपका जो है ना पासवर्ड आपको टाइप करना रहेगा। ओके, जो भी आपका यूएनए नंबर है वो यूएनए नंबर आप यहाँ पे टाइप कीजिए और आपका पासवर्ड टाइप कीजिए, और उसके बाद आपको कैप्चर कोड भी टाइप करना रहेगा। ये टाइप करने के बाद साइन इन पे आपको क्लिक करना है सिंपल सा। तो आप देख सकते हो साइन इन साइन हो चुका है, लॉग इन हो चुका है। ओके, इसके अंदर आपको जो है ना बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। आपको सिंपल से मैनेज में जाना है। मैनेज के अंदर आपको जो है ना बेसिक डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बेसिक डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है ना मॉडिफाई बेसिक डिटेल का जो है ना ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल अवेलेबल चेंज रिक्वायर्ड। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा जो है ना नाम चेंज करना है, मॉडिफाई करना है मेरे नाम को। ठीक है, जो भी मेरे आधार कार्ड पे है वो सेम जो है ना नाम मेंशन नहीं है ये पोर्टल में, पीएफ पोर्टल में, इसलिए जो है ना मैं अपना नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, एज पर आधार मुझे नाम रखना है। ओके, तो आपको जो है ना आपका आधार कार्ड पे जो है वही आपको यहाँ पे भी अपडेट करना रहेगा। जैसे कि अभी मैं नाम जो है ना मेरा जो करेक्ट नाम है मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा चेंज रिक्वेस्टेड में। तो मैं अपने जो है ना नाम लिख रहा हूँ, जो भी आधार कार्ड से के रिलेट जो भी आधार कार्ड में नाम है वो सेम नाम मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जो मुझे लिखना है, चेंज करना है। तो मैंने नाम लिखा। नाम के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ, और आपको ये डेट ऑफ बर्थ लिखना है एज पर आधार। आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है सेम डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना रहेगा। तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी टाइप कर रहा हूं। ओके, डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आपको जो है नॉर्मल से जेंडर पूछ रहा है, मेल ही मैं डाल दूंगा। ओके, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन अग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे पूछ रहा है कि कन्फर्म डिटेल्स, तो आपने मॉडिफाई कर रहे हो डिटेल जो चेंज कर रहे हो वो कन्फर्म कीजिए। हाँ करेक्ट है, तो मैं जो है ना सिंपल सा जो है ना यस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो है ना डिटेल्स जो है ना रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चेंजेस के लिए जो है ना पूरा कन्फर्म देख चुका हूँ, तो चेंजेस करेक्ट है, तो यस के ऊपर क्लिक कर लूंगा मैं। ओके, तो यस के ऊपर क्लिक कर लिया हूँ, तो लोड ले रहा है ये थोड़ा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो चेंजेस रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि चेंजेस के लिए जो ना रिक्वेस्ट सेंड कर दिया गया है। फर्स्ट क्या होगा, चेंजेस के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजा तो आपका एम्प्लॉयर, आपका जो भी एचआर है, एचआर फर्स्ट अप्रूव करेगा, उसके बाद फील्ड ऑफिस में जाएगा, फील्ड ऑफिस में से जो पीएफ का जो ऑफिशियल ऑफिस रहेगा वहां से भी अप्रूव हो जाएगा, तो आपका चेंजेस आपको जो है ना चेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे सिंपल तरीके से जो है ना आपका पीएफ जो है ना ऑनलाइन में जो है ना पीएफ अकाउंट में आपका नाम करेक्शन कर सकते हो। आप जो है ना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है ना कमेंट्स लिखिए आपको कुछ भी डाउट होता है। अगर आपको एडवांस पीएफ कैसे विड्रॉ करना है कुछ भी अगर डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हो। आपको जो है ना केवाईसी कैसा करना है वो भी आप वीडियो देख सकते हो। आपने यूएएन जो के अंदर जो है ना नॉमिनी ऐड किया लेकिन फिर भी आपको जो है ना आपका पासबुक नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए भी जो है ना वीडियो में मैंने डाल दिया हूँ प्रीवियस वीडियो में, सेम मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पेस्ट कर दूंगा कि आप जो है ना अपना पासबुक कैसा देख सकते हो नॉमिनी अपडेट करने के बाद। इसी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम में आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।